नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो देखिए, आज फिर एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जी। हरियाणा मुर्रा ही खान इसीलिए बोला गया क्योंकि समय समय पे एक से एक शानदार मुर्रा का पशुधन जो फील्ड से निकल गया है। तो देखिए, आज फिर बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से वीडियो लेके आए हैं जी। आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी शानदार मुर्रा के नायाब ने आम पशुपालक के घर पर जब भी वीडियो कवर करते हैं तो लगभग जब भी एक से एक शानदार पशुधन जो लगातार फील्ड से मिल रही है। तो देखिए, आज जो ये भैंस आप देख सकते हो, देखिए अभी ब्याने में काफ़ी समय बाकी है, अड्डर पे काफ़ी मोटी मोटी नसें और साथ में जो कटड़ी आप देख पाओगे तो देखिए कटड़ी की जो क्वालिटी है, चेहरा मोरा की क्वालिटी की बात करें, सींगों से दोनों के दोनों पशुधन भाई के काफ़ी एक्स्ट्रा क्वालिटी है दोनों पशुधन में। देखिए पीछे से बात करें, हैवी वेट के साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट की भैंस है। तो एक एक पशुधन की डिटेल वो भाई से लेंगे। आम पशुपालक बिल्कुल एक साधारण किसान से अगर किसी वीडियो शूट कर रहे हैं तो भाई साहब राम राम। तो भाई जी थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना, सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस कंफर्म कराओ भाई साहब। मेरा नाम सोनू, हाँ जी भाई, लिताणी जिला हिसार, गांव लिताणी। तो देखिए सोनू भाई लिताणी से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सोनू भाई साहब, जो अपना लिताणी गाँव है, चियाणा से लगभग कितने किलोमीटर, और उकलाणा से 12 किलोमीटर। तो लिताणी गांव से वीडियो शूट कर रहे हैं सोनू भाई के घर से, बिल्कुल एक साधारण किसान के घर से वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई के घर पे दो तीन ही पशुधन नगर पे रखे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पशुधन सभी रखे हैं। इस साइड जो ये भैंस भाई ने बताया, ये भी काफ़ी अच्छे दूध की भैंस है। सींग है जो थोड़े ख़राब है भैंस के, खुले ज़्यादा है। एज भी भाई ने इसकी काफ़ी बताई थी। तो सभी के सभी पशुधन की डिटेल लेंगे, जो एक नंबर पे भैंस है इससे स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई जी सबसे पहले तो एक बार अपना वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ साथ में। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 74950 92019। तो सोनू भाई साहब, जो अपनी एक नंबर पे भैंस है भाई साहब, ये इसकी क्या डिटेल है? इसकी डिटेल है तीसरा ब्यांत में ब्याहगी, अब की बार तीसरे ब्यांत में, तीसरे ब्यांत में ब्याहगी। ठीक है भाई साहब। तो दूसरा में 24+ दूध निकल रहा है, दूसरे ब्यांत में अपने पास थी ये, मामा के पास थी 24+ दूध निकाला, यानी अपनी रिश्तेदारी में जो मामा जी के पास थी, मामा जी के पास थी। तो वहाँ पे इसने 24+ दूध निकाला, 24+ निकाल लिया। ठीक है, तो अपने पास बाखड़ी आई थी फिर भाई, बाखड़ी आई थी लगभग 6-7 महीने की भी। ठीक है भाई, तो उस टाइम पर 19 किलो दूध तो निकल गया, 6-7 महीने की भी आएगा 19 किलो दूध। तो नीचे कटड़ा था या कटड़ी भाई? नीचे कटड़ी थी, हाँ सेल कर दी, वो सेल कर दी। तो देखिए एक बार में भैंस को नज़दीक से कवर करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो भाई ने बताया तीसरे ब्यांत में भी आएगी। चेहरा मोरा की क्वालिटी की बात करें या जो सींगों की क्वालिटी, वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी। शरीर से जो भाई ने काफ़ी ज़्यादा तैयार कर रखी है, आप देख पाओगे जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई नीचे से आप देख पाओगे। तो देखिए थनों में स्पेसिंग की बात करें या जो ऑर्डर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। तो कितना टाइम ब्याने का बाकी है सोनू भाई साहब आपकी बार? टाइम ब्याने इसका 8-10 दिन बाकी है, 8-10 दिन यानी ब्याने के अभी बाकी है इसके। तो नीचे से अड्डर वगैरह अच्छा बनाओ भाई साहब, फिर अड्डर बनाओ है बहुत बढ़िया। तो देखिए नीचे से भाई ने बताया कि अच्छे लंबे समय दूध देवे। तो कितने टाइम से? पौने दो महीने के लगभग, यानी दूध से ड्राई करे हो गया। तो यानी 10 दिन अभी ब्याने के बता रहे हो आप, तो लगभग 2 महीने से ड्राई मान के चलो करिए आपने। तो देखिए 2 महीने से ड्राई करिए, तो ड्राई कितने दूध किलो दूध से करी भाई आपने? 7 किलो दूध, तो बंद करके 7 किलो दूध पे। तो देखिए भाई ने बताया कि जो ताजी ब्याई ने अपने मामा जी के पास इसने दूध दिया 24 किलो, और आप जो 6-7 महीने की ब्याई का कितने किलो दूध तोल गए? 19 किलो। यानी जो ज़्यादा दूध की भी और साथ में जो लंबे दूध की भी भैंस है जी, वो आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छी भैंस है, बिल्कुल ठंडे सांस स्वभाव की आप देख सकते हो। भाई ने बताया 10 दिन जो भी ब्याने के बाकी है नीचे से आर्डर खोलना स्टार्ट कर रखे हैं। तो देखिए पीछे से भी आर्डर की क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो। देखिए अभी अभी जो आर्डर खोलना स्टार्ट ही किया भैंस ने, साइड से आप देख सकते हो। देखिए जो नशे हैं पूरे आर्डर पर काफ़ी शानदार नशे उभरना स्टार्ट हो गया। तो देखिए चेहरा मोरा की क्वालिटी आप देख सकते हो, जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो पिठ पुठा की चौड़ाई भी आप बात करें वो भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बुलों के जो बरोबर की चौड़ाई भैंस की है। पीछे से आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल जो रिंकल्स है अभी भी आने के 10 दिन बाकी है। तो काफ़ी अच्छा आर्डर भाई ने बताया बनाती है। तो एक बार खुल के तो देखिए चल रही है, तो भैंस आप देख पाओगे चलते टाइम भी भैंस की
जो क्वालिटी लंबाई ऊंचाई काफ़ी अच्छी है भैंस की, हर तरीके से आप देख सकते हो प्योर मुर्रा के ब्रीड करेक्टर, आगे से बिल्कुल पतली पीछे से काफ़ी चौड़ी, बिल्कुल साधारण किसान के घर देखिए ऐसे ऐसे पशुधन जो निकल निकल के आ रहे हैं, तो इसीलिए हरियाणा को जो मुर्रा की खान बोला गया है, साधारण किसान बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर देखिए, जो 24 किलो दूध इस भैंस ने भाई ने बताया दिया, बाखड़ी भैंस भी भाई 19 किलो दूध तोल के लेके आए थे, कटड़ी थी जो भाई ने वो सेल कर दी काफ़ी अच्छी। एक बार फिर जो नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे से देखिए अडर में जो रिंकल्स है काफ़ी अच्छी, बिल्कुल ठंडे सात स्वभाव की भैंस है, तो साथ में भाई से जानकारी लेंगे कि सेल का विचार है या किस तरीके से। तो भाई साहब अब की बार कितने किलो दूध की उम्मीद मान के चलोगे? 27-28 किलो दूध की उम्मीद है। तो सेल करने का विचार है या घर रखने का विचार है भाई? सेल करने का जो अच्छी कीमत तो लगी सेल कर देंगे, नहीं करा दूंगा। यानी अच्छी कीमत लगी तो सेल कर दोगे, तो किस रेट में सेल करोगे भाई साहब? वो तो मौका होगा, मौके पे करोगे, वैसे कोई एस्टीमेट है भाई इस रेट? रेट मौके पे करोगे ठीक है। तो रेट भाई ने मौके पे बोलिया रेट की जो, तो भाई साहब शरीर से बात करें तो देखिए भाई ने काफ़ी ज़्यादा तैयार कर रखी है भैंस, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तैयार है शरीर से, तो इसमें डाइट में क्या दिया फिर प्रेग्नेंट को आपने? इसमें डाइट में वहाँ पे तारामीरा दलिया, दलिया कणक का दलिया जो, तो कणक का दलिया तारामीरा और चने, तो घी तेल वगैरह भी दिया भाई? कितने किलो? लगभग 6-7 किलो देसी घी आपने इसको खिला दिया, तो किस बिन्ने से खिलाना स्टार्ट किया भाई साहब? 6 महीने की आपने थी उस टाइम स्टार्ट कर दिया था, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भाई ने बताया कि 6-7 किलो की जो देसी घी है भाई साहब, फिर घर का देसी घी, तो देखिए 6-7 किलो देसी घी बिल्कुल भैंस लग भी रही है एक पहलवान की तरह तैयार है काफ़ी भाई, कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो साथ ही साथ में नीचे स्क्रीन पे भाई का परमानेंट नंबर चलिया उस पर आप संपर्क कर सकते हो। आगे फिर जो ये कटड़ी है, कटड़ी भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, तो भाई साहब कटड़ी की क्या डिटेल है, कितनी एज होगी, साइड आओ थोड़ा। कटड़ी की एज होगी भाई साहब लगभग 2.5 साल। तो गैपिन होगी भाई साहब? गैपन टिक्का दरवा दिया भाई 27 तारीख में, चेक पास अभी तक कन्फर्म नहीं है ना, इसी 27 इसी 27 को रखवाया, तो यानी महीने के लगभग होने वाली है। हाँ महीने के लगभग होने वाली है। तो कौन सी भैंस है भैया? इस भैंस की जो ये अपनी बड़ी भैंस है, तो ये बड़ी भैंस है, तो बड़ी भैंस आप देख सकते हो सींग थोड़े खुले जरूर है, एज भाई ने तो कौन से ब्यात में भाई साहब अपनी बड़ी भैंस जो? बड़ी भैंस 7वें ब्यात में। 7वें ब्यात में, तो ये कितने दूध की भाई? यह दूध काटा है 22+ से काटा है, 22+ रहती है, तो अपने पास कितने ब्यात होगी इसको? अपने ब्यात पास होगी 6 ब्यात। 6 ब्यात, फिर आप दूसरे ब्यात में लेकर के आए थे इसको? दूसरे में लेके आए थे 7वें ब्यात में, 6 ब्यात अपने पास होगी, तो दूसरे ब्यात से कितने कटड़े कटड़ी इस भैंस ने अपने दी? एक कटड़ा लिया हुआ है, कटड़ी, तो 6 में से अपने पास 3 कटड़ी आई है। हाँ, 3 कटड़े, तो एक ही कटड़ी है, बाकी 2 कटड़ी सेल कर दी, वो अपनी सिस्टर को दे दी, तो देखिए सिस्टर को दे दी ये कटड़ी, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कटड़ी है, पीठ पुठाई क्वालिटी कटड़ी की आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। नीचे से बात करें तो वो भी आप देख सकते हो जो थनों में रिंकल्स है या स्पेसिंग है काफ़ी अच्छी, चेहरा मोरा क्वालिटी भी आप देख सकते हो बिल्कुल पतला लंबा फेस, बिल्कुल रिंग सिंग है, तो ये कटड़ी भाई साहब सेल करने का विचार है या सेल का कोई विचार नहीं? सेल करते हैं, अच्छी कीमत लगेगी, जीरो बात हुई, ये भी सेल कर दोगे, तो इसका रेट भाई साहब? इसका भी मौका है, इसका भी मौके पे, तो देखिए कटड़ी का भी भाई का सेल का विचार है, जो कटड़ी भी भाई कोई काफ़ी भाई कटड़ी के लिए बोलते हैं तो वो भाई इससे संपर्क कर सकते हैं, कटड़ी का भी रेट भाई ने मौके पे बोलिया, तो भाई साहब अगर कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और बताओ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 7450-9019। ठीक है भाई, तो कौन सा सीम ने रखवाया भाई अबकी बार जो? ठीक है, सरकारी अस्पताल में रखवाया अभी, सरकारी हॉस्पिटल में। और जो भैंस कौन से सीमन से है? भैंस बजरंगी लजवाना, बजरंगी लजवाना से गया पिना। तो देखिए सोनू भाई लितानी से, उनके घर से वीडियो लेके आए हैं, दोनों पशुधन का जोड़ आपको कैसा लगा? कोई भी भाई लेने का इच्छुक है भाई से संपर्क कर सकता है, काफ़ी अच्छे दूध की भैंस है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।